नगर पंचायत भोजपुर में चुनाव में बीएसपी पार्टी ने हसन कुरैशी की पत्नी को अपना प्रत्याशी बनाकर दाव लगाया है। पिछली बार भी हसन कुरैशी चेयरमैन पद प्रत्याशी की दौड़ में रहे हैं, तो वहीं शुक्रवार को हसन कुरैशी ने भोजपुर नगर पंचायत की छोटी छोटी गलियों में घूमकर घर घर जाकर लोगों से वोट मांगे और अपना चुनाव प्रचार किया और लोगों से 4 मई शनिवार को होने वाली वोटिंग में हाथी के निशान पर भारी संख्या में वोट देकर विजयी बनाने की अपील की। उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जनता से वादा किया, चुनाव जीतने के 1 महीने के बाद भोजपुर में 1 रोटी बैंक खोलेंगे जिसमें उनके भोजपुर के लोग गरीब लोग निशुल्क भोजन कर सकेंगे और भोजपुर के चारों कोनों पर मैरिज हॉल बनाने के लिए कहा जिसमें भोजपुर के गरीब लोग अपने बच्चों की निशुल्क शादी कर सकेंगे। भोजपुर में नगर निकाय चुनाव जोरों पर है, आप भोजपुर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे और भोजपुर की जनता आपको वोट क्यों दे? मैं नगर पंचायत भोजपुर की जनता से अपील करूंगा और मैं नगर पंचायत भोजपुर की जनता से वोट यूँ मांग रही हूँ क्योंकि मेरा हक है। अभी मैं भी 2 बार सभासद भी रह चुका हूँ और पिछली बार चेयरमैन का इलेक्शन भी लड़ा था और दूसरे लोग भी इलेक्शन लड़े थे, लेकिन इलेक्शन लड़ने के बाद जीता प्रत्याशी और हारा प्रत्याशी मैदान में नहीं रहे। अभी आपने देखा होगा कि एक ऊपर वाले की तरफ से छोटी सी कयामत आई थी कोरोना, जिसमें सारे लोग घरों में कैद थे। कहाँ थे ये लोग? क्यों देगी जनता इन्हें लोग वोट? जिस टाइम वो एक ऐसा तूफान आया था और एक ऐसी मुसीबत का दौर आया था कि भाई भाई का सहारा नहीं बनिया था, उस टाइम इस जनता के लिए ये भाई खड़ा हुआ था। मैंने अपने सारे काम रोके और जनता के बीच में खड़ा हुआ और जो मुझसे मदद हो चुकी मैं इनकी मदद करी, इसलिए मुझे जनता वोट देगी। लॉकडाउन में लोगों की आपने सुना है बहुत मदद की है, जनता वोट देगी सर। क्या क्या मदद की है आप लोगों को? जितनी मुझसे हो सकी, मैं भी एक गरीब परिवार से हूँ लेकिन मैं उस टाइम एक मकान बना लिया था। मैंने कहा अपने साथियों से कि ये मकान किसी काम का नहीं है, ऊपर के मकान का इंतजाम करो, इस मकान को रोको। आज बुरा वक्त है, लोग राशन से तड़प रहे हैं, दवाइयों से तड़प रहे हैं, दूध से दाब रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे दूध के लिए परेशान हैं। मैंने अपना मकान का काम रोक के और उस पैसे का खर्च करके माल सामान खरीद के गरीबों में वितरण करने का काम करा, इसलिए मैं जनता में आया हूँ। अभी जो लॉकडाउन लगा था 2 साल पहले, शासन का कोरोना महामारी में शासन का एक आदेश था, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का भी और भारत सरकार का भी, कि जहाँ जहाँ भी जो जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सांसद हो, लोग विधानसभा विधायक हो या चेयरमैन हो प्रधान हो, वो अपनी अपनी निधि के पैसे का खर्च, मतलब जो उनकी निधि में पैसा है उस पैसे से तमामी दवाइयाँ खरीदें, लोगों की जरूरत की सामान खरीदें, जिनके घर पर खाने के लिए नहीं है राशन खरीदें। क्या बिना थी, क्या कारण था जो लोग उस पैसे से नगर पंचायत भोजपुर के खास करके वो लोग उस पैसे का सामान खरीद के जरूरतमंदों की जरूरत पूरी क्यों नहीं की? मैं पूछना चाहता हूँ उनसे, उनका इंसानी फर्ज था। मैं काश चेयरमैन होता तो मैं बता रही हूँ आपको, मेरे अकाउंट में, यानी कि नगर पंचायत चेयरमैन के अकाउंट में कितना भी पैसा हो।